जितने भी हमारे दोस्त कक्षा 9, 10, 11 और 12 वाला जुड़ रहे हैं, अगला विषय का वीडियो आपको कौन से विषय का चाहिए, कौन सी कक्षा का चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसके लिए हम आपके लिए वो वीडियो भेज सकें। कमेंट करके बताइएगा अगला विषय कौन सा होगा और कौन सा टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, आप जो भी क्लास से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल सके। 9th वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको बताया था, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, चाहे पेपर मैंने पहले भी बता दिया है कि आपके जिले स्तर पर बनेंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस है वही रहने वाला है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज बताए जा रहे हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वो सभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने की उनकी पूर्ण संभावना होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 9th आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान से। इसके बाद जो भी हमारा कमेंट आएगा, जो भी स्टूडेंट के ज़्यादा कमेंट आएंगे, जो भी क्लास हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रांसीसी क्रांति। अभी आपको ये बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो हुई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है। 1974 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो यहाँ पर जितने भी दोस्त हमारे क्लास 9th वाले सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रश्नों को नोट कीजिएगा, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों में से यदि कोई प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लुई सोलवा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लुई सोलवा आप राइट आंसर इसमें करेंगे। देखिए अगला देखिएगा, लिब्रे है क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देते हैं, फ्रांस की मुद्रा है, या फ्रांस लिबरेशन पार्टी, या फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं क्लास 9th वाले, और साथ ही 10th, 11th, 12th, जो भी क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप कमेंट करके बताएंगे, उसका वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा उस टॉपिक का। तो इसमें दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें आपका राइट आंसर होगा फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है, फ्रांस की एक मुद्रा है। अगला देखिएगा, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, टाइद, टाइल, सैन्य कर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कर लें आप, टाइलों से हम कहते हैं। आप जब आपने पाठ पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आपको देखने को मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, टाइथ का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सही कर देते हैं 32, तो यहाँ से आपके परसेंट बन जाते हैं 40। 40% आपके कंप्लीट हो जाते हैं मात्र ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों से। तो देखिए यहाँ पर टाइथ का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर टाइथ का मतलब होता है धार्मिक कर। अगला देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, डेट यहाँ पर दे रखी है 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर कर लें आप, 14 जुलाई 1789। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, किसान वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, चलिए
फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी दोस्तों पेरिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं क्लास 9th वाले, वे सभी ध्यान दें। अगला वीडियो आपको कौन से विषय का चाहिए कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसका वीडियो हम आप सभी के लेकर आ सकें। उसका महत्वपूर्ण प्रश्नों का अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है, काफ़ी मदद मिलने वाली है। उस वीडियो से अच्छे से देखिएगा और नोट कीजिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अगला वीडियो हमारा जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और यदि इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे यहीं पर दी हुई है। उसी के नीचे हमारा दूसरा चैनल भी है, उसकी लिंक भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले मैं बता देता हूँ दोस्तों, मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था ये बताना है आपको। जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। राइट आंसर बताना है कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो कौन था। इसमें राइट आंसर कर रहे हैं आप फ्रांस का सम्राट, ठीक है। राइट आंसर क्या कर लेना, फ्रांस का सम्राट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आतंक राज्य किसने स्थापित किया? देखिए जो हमने पाठ पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आया था आतंक राज्य किसने स्थापित किया, तो लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेसपियर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोबेसपियर, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 हमारे क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रांसीसी क्रांति के। अगले चैप्टर भी आपको जल्दी ही मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और अगला वीडियो आपको कौन से विषय का चाहिए कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए वो वीडियो हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दें। तो आज का वीडियो कैसा लगा साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।